अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आ जाओ अपनी बुक की। हेडिंग क्या लिखी है? अच्छा, अदर रिसेप्टर्स फॉर दी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। अभी जी आप लोगों ने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़े थे टॉल लाइक रिसेप्टर्स, अब जी आप लोगों ने पढ़ लिए एनओडी लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसको एनएलआर कहते हैं। इसके अंदर इन्फ्लेमोसोम्स पढ़ लिया। अब जी जनरल डिस्कशन ऑथर कर रहा है दूसरे रिसेप्टर्स पे जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो इजी, अब यहाँ से इजी लिखा है ऑथर ने, इसमें लिखा है यू हैव दी, सबसे पहले डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में कहीं लेक्टिन बना हुआ नजर आ रहा है? लेक्टिन, अच्छा जी, लेक्टिन कहाँ पर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या साइटोसोल में? चलो ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अच्छा जी, अब जी ऑथर ने लिख दिया यू हैव सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स दैट आर सी एल आर। अब ये कोई एक ही किस्म का नहीं, डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, दीज आर एक्सप्रेस्ड ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा था। अच्छा जी, अब ये जो आपके सी एल आर्स, ठीक है, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं, अब कहाँ कहाँ पर हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो हैं, लेकिन कौन से सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? ऑथर ने लिखा है मैक्रोफेजिस के एंड दी डेंड्रिटिक सेल्स के, डीसी, ठीक है। जाहिर है ये लोग डिटेक्ट करेंगे तो कुछ अपना प्रोसीजर करेंगे ना, आगे फेगोसाइटोसिस करनी है, क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जी ये रिसेप्टर्स सी एल आर डिटेक्ट किसे करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे फंगल ग्लाइकेंस को। फंगल ग्लाइकेंस क्या? डेफिनेटली आपको ऑलरेडी पता है कि दिस इज द पॉलीमर दैट इज कंपोज ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, और ये मोनोसेक्राइड कौन से बॉन्ड से लिंक्ड है आपस में? ग्लाइकोसिडिक। अच्छा जी, ये सी एल आर्स विल डिटेक्ट व्हाट? फंगल ग्लाइकेंस। अच्छा जी, एटीपी, यूरेट क्रिस्टल्स, लिपिड क्रिस्टल्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स को कौन डिटेक्ट कर रहा था? एनओडी लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है, याद रखना है। देखो अब हमें फंगल इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, उसके लिए जी यू हैव दी सी एल आर्स। अच्छा जी, अब जी ये रिसेप्टर भी जी दूसरे रिसेप्टर्स की तरह जब एक्टिवेट होंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। बच्चों ऑथर ने ना जब इधर इन्फ्लेमेशन के बताया ना, आगे इन्फ्लेमेशन चलेगी, उसने सारे चैप्टर नंबर 3 में बुक में ऑलरेडी सारा डिस्कस किया है, जो आपने लास्ट सेमेस्टर में भी किया था, ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में आ जाओ, ये एक रिसेप्टर आ गया जिसने जी फंगल ग्लाइकेंस को डिटेक्ट करना था। अब ऑथर ने लिख दिया इसके अलावा, ये तो प्लाज्मा रिसेप्टर था ना, यू हैव सेवरल साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। अच्छा, साइटोसोल के अंदर भी आपको डिफरेंट बड़े जी रिसेप्टर्स हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। किसके न्यूक्लिक एसिड को? वायरस के, उस वायरस के जो कि रेप्लिकेट करेगा आपके इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर, क्लियर है। अच्छा जी, जब जी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया इन रिसेप्टर्स ने, तो अल्टीमेटली देर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीवायरल साइटोकाइंस, ठीक है। जर्नल लिख दिया, कोई डिटेल नहीं लिखी, हम साइटोकाइंस की डिटेल में, पूरे मैकेनिज्म की डिटेल में इधर नहीं गए। ये हो गया जी आपके जी सी एल आर रिसेप्टर्स आ गए। अदर रिसेप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया सी एल आर रिसेप्टर्स, जिसने फंगल ग्लाइकेन को रिकग्नाइज किया। फिर ऑथर ने कह दिया जी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यू हैव दी साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। अब जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाओ, आपके ऑथर ने लिख दिया कि आपके पास यू ऑल्सो हैव दी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कितनी डिस्कशन की होगी आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के ऊपर बच्चों। अच्छा, अब आपके ऑथर ने कह दिया, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जी यू हैव जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। अच्छा, ये रिसेप्टर्स आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? दीज आर ऑन दी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स के ऊपर मिल रहे हैं। इससे पहले कौन सा रिसेप्टर का मैंने डिस्कशन की थी जो आपको मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स में मिल रहे हैं? सी एल आर, यानी कि एक ही सेल के ऊपर डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हो सकते हैं ना। अच्छा जी, अब आपके ऑथर ने कह दिया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर ऑन न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड दी डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, उसके ऊपर जो आपको ये मिल गए, अब इन्होंने रिकग्नाइज किसे करना है?
दे विल रिकग्नाइज दी बैक्टीरियल पेप्टाइड्स। लेक्चर के स्टार्ट में पहले कहा था ना कि बैक्टीरिया भी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं। अच्छा जी, दे विल रिकग्नाइज दी बैक्टीरियल पेप्टाइड्स। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो ना, आप लोगों की फिजियोलॉजी में भी था, माइक्रोबायोलॉजी में भी था, इसके अलावा आप लोग अभी दोबारा फार्माकोलॉजी पढ़े, कीमोथेरेपी में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, उधर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर फॉर व्हाट? बैक्टीरिया की, जिसने प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। उधर आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना डायग्राम्स, तो जी आरएनए के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा एफ एम ई टी मेट। क्या लिखा हुआ नजर आएगा? इस तरह से लिखा हुआ आएगा, आपको ये आरएनए मिलेगा, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा ये एफ एम ई टी। अच्छा बच्चों, इसको यहाँ पे छोड़ो, ये बात याद रखो कि बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किसी और तरीके से शुरू होती है, उसके लिए अमीनो एसिड ज़रा डिफरेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, उसका वो ज़रा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब ऑथर ने आपके क्या लिखा है कि आपके पास ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, जो कि आपको मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर मिल रहे हैं, दीज विल रिकग्नाइज द बैक्टीरियल पेप्टाइड। अच्छा, बैक्टीरियल पेप्टाइड के ऊपर जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो दे विल कंटेन द रेजिड्यू जो मिलेगा, मैंने आपको कहा दिस इज दी एफ मेट, ठीक है। एफ मेट क्या है? दे विल रिकग्नाइज दी रेजिड्यू, आपके ये रिसेप्टर्स रेजिड्यू को रिकग्नाइज करेंगे, दैट इज एन फॉर्माइल मैथियोनाइल रेजिड्यू, ठीक है। अब बैक्टीरियल पेप्टाइड पे आपको ये रेजिड्यू मिल गया, आपके इन रिसेप्टर्स ने, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ने क्या किया, एन फॉर्माइल मैथियोनाइल रेजिड्यू को रिकग्नाइज किया। अच्छा, क्योंकि सारे प्रोटीन्स के ऊपर ये रेजिड्यू है, ओके, जबकि ह्यूमन बींग्स में नहीं है, एक्सेप्शन इज दी सिंथेसिस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब जी आपका ऑथर ने लिख दिया जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट ही किस से होती है, दैट इज़ बाय दी एन फॉर्माइल मैथियोनाइन से, ठीक है। जबकि अगर ये स्पेसिफिक आपके पास कंडीशन है बैक्टीरियाज के लिए, तो जी आपके रिसेप्टर्स ने क्या किया कि इस पेप्टाइड को रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज ऑफ दिस रेजिड्यू। अच्छा, जब रिकग्नाइज कर दिया तो अब क्या होगा, इसकी वजह से अब डेफिनेटली आपके सारे जो सेल्स हैं, आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए। आपके न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, इस प्रोटीन, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स का नाम लेते हैं, इस बैक्टीरियल प्रोटीन को डिटेक्ट किया, ठीक है, और कीमोटेक्टिक रिस्पॉन्स दिया। क्या किया, जितना फिर वो जो न्यूट्रोफिल्स का पूरा प्रोसेस है जो आपने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था वो स्टार्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट चले, देन जी दूसरे रिसेप्टर के ऊपर आओ। अदर्स रिसेप्टर में पहले हम लोगों ने कौन सा रिसेप्टर पढ़ा था? CLR, फिर अच्छा, फिर हम लोगों ने दरमियान में क्या आया था, हमने कहा साइटोसोलिक डिफरेंट रिसेप्टर्स भी हैं जो वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आ गए। अब जी आपके पास आ गए मैनोस रिसेप्टर्स, मैनोस रिसेप्टर्स शुगर है ना ये। अच्छा जी, आपके ऑथर ने कह दिया मैनोस रिसेप्टर्स विल रिकग्नाइज माइक्रोबियल शुगर। अच्छा, जो आपके पास माइक्रोब्स हैं, दे हैव दी टर्मिनल, उनके जो टर्मिनल पे आपको शुगर मिलेगा, दैट इज दी मैनोस रेजिड्यू, जो कि मैमिलियन में नहीं है, मैमिलियन ग्लाइकोप्रोटीन्स में नहीं है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनोस रिसेप्टर, ये क्या करेंगे, मैनोस को रिकग्नाइज करेंगे, इनको रिसेप्टर का नाम ये है। बच्चों, आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि बैक्टीरियाज के अंदर हैं, उनके टर्मिनल पे आपको जो शुगर मिल रही है, दैट इज़ मैनोस, दैट इज़ एक्चुअली नोट द केस इन द ह्यूमन बींग्स। अच्छा, इस मैनोस को जी स्पेसिफिकली आपके मैनोस रिसेप्टर्स ने रिकग्नाइज कर लिया, ओके। अब जी आपके ऑथर ने कहा अब जी सारा वो सारा प्रोसीजर दोबारा चलेगा। अगेन नीचे वाले बुलेट में आओ, सेकेंड पॉइंट के ऊपर। अच्छा, रिसेप्टर्स को, इन रिसेप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अब आगे इन एडिशन आपके ऑथर ने लिख दिया, इसके अलावा देर आर टू फैमिलीज ऑफ साइटोसोलिक रिसेप्टर्स, जिस जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाए गए थे, याद है,
दिस वर आर आई जी वन, इसमें आर क्या था, रेटिनोइक एसिड आई इंड्यूसिंग इंड्यूसिबल जी जीन वन, ठीक है। ये आपको रिसेप्टर नजर आ रहे थे ना, इधर देखो डायग्राम में देखकर मुझे बताओ ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे, किसको डिटेक्ट कर रहे थे, वायरल डीएनए को डिटेक्ट कर रहे थे। अच्छा ये हम लोग रिसेप्टर पहले डिस्कस, डायग्राम की मैंने सिर्फ अभी बात की और डिटेल में नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जी आपके ऑथर ने कह दिया आपके पास साइटोसोलिक रिसेप्टर है, दैट इज आर आई जी वन, ओके। एंड अदर साइटोसोलिक रिसेप्टर का क्या नाम है, दैट इज दी डीएनए सेंसर। अच्छा जी, अभी इसने रिकग्नाइज किसे करना है, डीएनए आरएनए को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, अब डायग्राम को एक दफ़ा गौर से देख लो, ये जो आपकी बुक में डायग्राम दिखाई गई है ना रिसेप्टर्स की, एक दफ़ा गौर से इन सारे रिसेप्टर्स को गो थ्रू करो, देखो मुझे देखकर बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन कौन सा रिसेप्टर मिल रहा है आपको। अच्छा जी, आपको मिल रहा है टॉल लाइक रिसेप्टर मिल रहा है, और लेक्टिन, ओके, और साइटोसोल में कौन सा मिल रहा है, एन ओ डी लाइक रिसेप्टर और आर आई जी लाइक रिसेप्टर, ओके। एंडोसोमल रिसेप्टर कौन सा है, टी एल आर है। क्या टी एल आर प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर और एंडोसोमल रिसेप्टर दोनों हैं, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स ख़त्म हो गए,